प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम मोटर चलाते हैं, पानी का मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या पंप या अपने गाड़ी का मोटर जब चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मोटर एकदम हम चाबी लगा करके और वो ऑन हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि उस मोटर को चलाने का जो फोर्स है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो क्या है। अगर हम बिजली का मोटर चलाते हैं पानी खींचने के लिए, तो उसकी शक्ति जो है वो बिजली है, वो उसका ड्राइविंग फोर्स है। यदि हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं या अपने कार को स्टार्ट करते हैं, तो उसकी जो मोटर है उसको चलाने वाला पेट्रोल होता है। पेट्रोल से फिर वो केमिकल और कई प्रकार के फोर्स बन करके वो इम्पैक्ट देता है और उसको वो चलाता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं चलती है, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होता है, कोई ना कोई उसको चलाने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं, तो हमारा प्रश्न ये उठता है कि भाई मेरे जीवन का संचालन कौन करता है, मेरे जीवन का ड्राइविंग फोर्स कौन है, क्या है। कभी आपने इसके बारे में सोचा? मेरे दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हु इज़ योर ड्राइविंग फोर्स, आपके जीवन का संचालन करता कौन है, और उसी के बारे में हम देखेंगे। यदि आपके पास कभी टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, पूरा 8वां अध्याय आप पढ़िए। और ये जो मैसेज या जो डिवोशन मैं आज सवेरे आपको दे रहा हूँ, उसको शायद और अच्छी तरह से समझ पाएं जब आप रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, पूरा का पूरा अध्याय आप जरूर जब पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपके सामने बात करना मांगता हूँ। पहली बात, दो प्रकार के ड्राइविंग फोर्स, दो प्रकार के सामर्थ्य, दो प्रकार की शक्ति हमारे जीवनों में आ सकती है, और वो है, एक तो है शारीरिक सामर्थ्य, हमारी अपनी शरीर की सामर्थ, और दूसरा है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जी हाँ, शारीरिक सामर्थ या पवित्र आत्मा की सामर्थ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हमारे जीवन का संचालन कर सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके कई पदों को। पहले हम, मेरे दोस्तों, हम देखेंगे शरीर जो हमारा हमारे जीवन का संचालन करता है, शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक मन, शरीर के जो काम हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो हमारा शरीर है वो पाप के लिए बिल्कुल, पाप का उसमें श्राप है, पाप का उसमें दंड है। मैं पढ़ता हूँ रोमियो 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो शरीर हमारा है, ये जो हमारी देह है, शारीरिक रूप से जिसे हम कहते हैं, ये पाप के लिए दंडित हो चुकी है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, हमारा जन्म पाप से ही होता है। भजन संहिता का लिखने वाला 51 कहता है, मैं पाप ही के साथ माँ के गर्भ में पड़ा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम पापी रूप में जन्म लेते हैं, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरा शरीर, पूरी शरीर की अभिलाषा पाप की ओर दौड़ती है। कहने का मतलब है, हमारे पूरा जो शरीर का संचालन है वो पापी शरीर करता है, पाप का जो स्वभाव है वो हमारा संचालन करता है, और इसीलिए हम पाप की दशा में बढ़ते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मेरी माँ ने कभी नहीं सिखाया कि बेटा चोरी कैसे करते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं सिखाते हैं बुरी बातें,
उल्टी सीधी बातें, बल्कि हमारे पेरेंट्स तो अच्छी बातें सिखाते हैं लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं। तो ये गलत काम कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पाप से घिरा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है और पाप से लिप्त है। एंड सो हम में पूरे व्यक्तित्व में, पूरे शरीर में, पूरी देह में पाप का प्रकोप है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, जो अगर शरीर हमारा ड्राइविंग फोर्स है, पाप अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स है, संचालन करता, तो वो हमें मौत की ओर ढकेलता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5वां और 6वां पद, यहाँ जी हाँ, रोमियो उसका 8वां अध्याय 5 और 6 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो दो बातें हम देखते हैं कि शरीर जो है वो अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम देखते हैं कि हम मृत्यु लाएंगे। हमारा मन अगर शरीर पर ध्यान करता है, शरीर की चीज़ों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, फॉर एग्जांपल शरीर की अभिलाषा क्या है? आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब शरीर का मन है जो पाप से संचालित होता है और अंत में क्या उत्पन्न करता है? ये मौत, मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जी हाँ, ये पाप में जो शरीर हमारा है और इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, इसका जो संचालन करता है, वो पापी शरीर करता है और इसकी वजह से हम मौत की ओर भागे दौड़े चले जा रहे हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि अगर शरीर हमारा ड्राइविंग फोर्स है, यदि पाप हमारा ड्राइविंग फोर्स है, तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई मिला मेल मिलाप नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के विरोधी ठहर जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखिए, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो जब हमारा पापी शरीर है, जिस अवस्था में हम रहते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर से बैर करते हैं, पवित्र चीज़ों से अलग हटते हैं, परमेश्वर को प्यार नहीं करते। और इसी की वजह से 8वें पद में लिखा हुआ है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ, देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका और हमारा ड्राइविंग फोर्स, आपका और हमारा जीवन का संचालन कौन कर रहा है। यदि पापी शरीर कर रहा है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि हम पाप की ओर दौड़ रहे हैं और अंत हमारा पाप होगा। फिर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के विरोधी हैं, 7वां पद, और 8वें पद में भी यही बात पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रसन्न नहीं कर रहे, हम शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, ड्रग हुआ, अल्कोहल हुआ, व्यभिचार, यौन, जो गलत तरीके से सेक्स का जो प्लेजर है वो करते हैं, वो शरीर के खुश करने के लिए होता है। किस प्रकार की म्यूज़िक हम सुनते हैं, शारीरिक म्यूज़िक, जो हमें शरीर रूप में तो बहुत आनंद देता है, लेकिन एक्चुअली वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है और इससे परमेश्वर की आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। तो हम देखते हैं 13वें पद में भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, कि 13वां पद में लिखा हुआ है कि हम अगर शरीर के अनुसार जिए, यदि शरीर के जो इम्पल्स हैं उसके अनुसार जिए, तो हम
मौत का सामना करेंगे, क्योंकि यदि 13वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखिए यहाँ पर बड़ा बहुत बड़ा अंतर दिखाया गया है, आत्मा के अनुसार जीना और शरीर के अनुसार जीना। अगर मेरा जीवन शरीर के पापी दशा में हो करके मैं जीता हूँ, मेरी पापी जो दशा है वो मेरा संचालन करती है, वो मेरे पाप में मन को कंट्रोल करती है, तो नेचुरली सिर्फ नष्ट ही नष्ट है, दुख ही दुख है। और मैंने जैसे अभी आपके सामने पढ़ा रोमियो 8 और उसका 3, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 13वां पद, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक तरह से हमको परमेश्वर से दूर ले जा करके, थोड़ा समय तो हम एक्साइटेड होंगे, थोड़ा समय हमको अच्छा लगेगा हमारे शरीर में, लेकिन थोड़े समय की खुशी जीवन भर का गम आएगा, अनंत काल का गम आएगा, अनंत काल का दुख होगा, हम मौत के मारे में जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपका जीवन का संचालन कौन करता है? क्या आप अपना संचालन अपना ही मन के द्वारा करते हैं, अपने पापी मन के द्वारा करते हैं? यदि ऐसा है तो अंत इसका बहुत बुरा है, और वो है मौत, परमेश्वर से बिल्कुल अलग। शारीरिक मौत तो है ही, उसमें कोई शक की बात नहीं, किंतु आत्मिक रूप से भी हम परमेश्वर से दूर जाएंगे। सो ये हम देखते हैं, जो लोग शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, ये उनका ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें तो बात कुछ और बनती है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पर कुछ और अच्छी बात हमको परमेश्वर के वचन सिखाता है, हम उसी को देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा इससे पहले कि आगे हम देखें, गलतियों उसका दूसरा अध्याय, गलतियों और उसका दूसरा अध्याय और 20 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। गलतियों उसका दूसरा अध्याय 20 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है, हमारे जो जीवन की कार्य प्रणाली है, जो संचालन है, कंट्रोल है, वो हमारे पापी मन से, शारीरिक मन से हटा करके परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ा दे, और फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन का संचालन करेगा। और जब ऐसा होता है तो मेरे मित्रों, परमेश्वर की आशीष हम सबों पर जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं उन पर होगा। फिर उनका ड्राइविंग फोर्स, उनका संचालन पापी जीवन, पापी मनुष्यत्व, पापी मन नहीं करेगा, किंतु पवित्र आत्मा करेगा। आइए हम आगे बढ़ें और देखें कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल में आते हैं तब हमारे जीवन में क्या क्या होता है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 18 पद, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 18 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सो मेरे दोस्तों, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो हमारा जीवन जो है, स्वयं अहम आय मैं पापी मैं पाप से संचालन नहीं होता, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है। आइए देखें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री, हम वापस जाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हमारा ड्राइविंग फोर्स अब स्वयं नहीं है, पवित्र आत्मा है
जो हमारे जीवन का संचालन करता है। तो आइए हम देखेंगे कि क्या होता है। पहली बात हम देखते हैं रोमियो, उसका 8 और पहला पद। हमारा अगर ड्राइविंग फोर्स, हमारा जीवन का संचालन अगर पवित्र आत्मा है, तो पहली बात लिखा हुआ है पहले पद में, 8 रोमियो 8 का, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, यदि हमारा ड्राइविंग फोर्स, हमारा संचालन करने वाला जो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा है, तो हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं। पहले हमने क्या देखा, अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम पर दंड की आज्ञा है। जी हाँ, पापी मन के अनुसार चलेंगे तो दंड आएगा, पाप का जो दंड है। किंतु अगर हमारा संचालन करने वाला कंट्रोलर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, तब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। मेरे दोस्तों, कितना अच्छा गुड न्यूज़ है ये हम सबों के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, दंड की आज्ञा भी नहीं, और हम लिखा हुआ है उस व्यवस्था से जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूर किया, हमें स्वतंत्र किया, उस व्यवस्था से, पाप की व्यवस्था से परमेश्वर की आत्मा ने हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। दूसरा पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, फ्री कर दिया। हम फ्री हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, यदि हम आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तो हमारा मन शारीरिक मन नहीं होता है, हमारा मन शारीरिक मन नहीं किंतु आत्मिक मन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो की पत्र उसका 8वां अध्याय और उसका 5वें पद का दूसरा भाग, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है, शरीर की बातों पर। आध्यात्मिक आत्मिक जो आध्यात्मिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मा, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सोचता है, पवित्र चीजों के बारे में सोचता है। और आत्मा पर जब हम मन लगाते हैं, 6वें पद में क्या लिखा हुआ है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। बिल्कुल विपरीत है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऑपोजिट है। शारीरिक व्यक्ति से आत्मिक व्यक्ति बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें शांति देता है। 9वें पद में भी हम देखते हैं इसी का, कि रोमियो का 8 उसका 9वां पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन भी नहीं। सो मेरे देश दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा बसता है। कितनी अच्छी बात है, दुष्टता नहीं है, खराब बात नहीं है, उल्टे सीधे काम नहीं है, पापमय जीवन नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हम पर वास करता है, और वो हमारे जीवन की नैया को आगे बढ़ाता है, और हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा एक नया जीवन डाल देता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14वां पद, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप और मैं जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। आप लिखा हुआ 15वें पद में रोमियो 8 का, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह करके
पुकारते हैं, मेरे दोस्तों हमें ले पालकपन। परमेश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है, हम उसके बच्चे नहीं थे, पर हम पापी दशा में थे, लेकिन जब हम विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं तो हम उनके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम उनके सचमुच में अडॉप्टेड बच्चे बन जाते हैं। और कितनी खुशी की बात है, आप सोचिए अगर कोई राजा आपको अपना लेपालक लेकर के अपना बेटा और बेटियां बनाए, अरे साहब बड़े लकी होंगे। क्यों? जितना सब कुछ जो कुछ भी राजा का होगा वो आपका हो जाएगा, आप उसके उत्तराधिकारी बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जब हमें अडॉप्ट करता है, परमेश्वर हमें जब लेपालकपन के रूप में देखता है, एक पुत्र और पुत्री के रूप में, सारी आशीष, सारी सारी जो भी चीज़ें परमेश्वर का है वो हम पर सौंप दी जाती हैं। सो हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन को संचालन करता है तो आशीष ही आशीष हम देखते हैं। 16वें पद में लिखा हुआ है रोमियो के 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और 17वें पद में क्या लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है। जी हाँ, मैं वही बात कह रहा था आपसे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में एक उत्तराधिकारी, एक वारिस बना लेता है और हम उसकी जो आशीष हैं उसको इंजॉय करते हैं। ये है पवित्र आत्मा का कार्य, ये शरीर का काम नहीं है। ये पवित्र आत्मा हमारा जब ड्राइविंग फोर्स बनता है, हमारा संचालन करता है। एक और बात है जो हम देखते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है, और वो है 26वां पद। 26वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में भी सहायता करता है। जी हाँ, कभी कभी हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में भी सहायता करता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो उसका 8वां अध्याय 26 पद, इसी प्रकार से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार से, किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे दोस्तों, आज हमने देखा परमेश्वर के वचन के आधार पर, रोमियो के 8वें चैप्टर के आधार पर, कि यदि हमारा ड्राइविंग फोर्स फ्लश है, शरीर है, देह है, पापी मन है, तो हम मौत की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, पाप की ओर दौड़े चले जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर को प्लीज़ नहीं करते हैं, अपने शरीर को प्लीज़ करते हैं, अपने शरीर को खुश रखते हैं, लेकिन अंत में मौत है। किंतु गुड न्यूज़ ये है कि यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स है, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में संचालन करता है, वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो हमारे जीवन में पाप का कोई प्रभाव नहीं, मौत के अलावा, मौत नहीं, जीवन मिलता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा होता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और हम परमेश्वर के साथ उसके जो चीज़ें हैं, उसकी जो आशीषें हैं वो हमें विरासत में मिल जाती हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना करने में सहायता करता है, कितनी अच्छी बात है। आशा है मेरे दोस्तों कि आप और मैं, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले, ना कि शरीर के द्वारा, क्योंकि उससे मृत्यु, हाँ सिर्फ मौत ही मौत है। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करें। आमीन।